क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी सुरेश रैना को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला वैनकड़े के स्टेडियम में तूफानी तरीके से शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को बताते हैं, इस कांटे की टक्कर के मुकाबले में सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत हद से ज्यादा खराब रही। जानके पास फैफ डुप्लेसी मात्र शून्य रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी मात्र 5 रन बनाकर क्रिस वोस की गेंद पर शिखर धवन को अपना कैच दे बैठे, लेकिन उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में मोइन अली ने काफी बेहतरीन और सूझी समझी पारी खेली। दोस्तों, इस मुकाबले में 36 रनों की तूफानी पारी खेली मोइन अली ने 24 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें से मोइन अली ने 2 तूफानी छक्के व 2 तूफानी चौके जड़े, लेकिन अंत में आकर वो 36 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर धवन को अपना कैच दे बैठे। उनके बाद आया मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का भयंकर तूफान। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पिछले साल से लेकर अब तक एक भी मैच नहीं खेले थे सुरेश रैना, उसके बावजूद भी इस मुकाबले में मध्य क्रम में आकर सुरेश रैना ने भयंकर बल्लेबाजी की। दोस्तों, इस मुकाबले में 54 रनों का तूफानी अर्धशतक ठोक दिया सुरेश रैना ने सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी बेहतरीन पारी में सुरेश रैना ने 4 छक्के और 3 चौके जड़े, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक से सुरेश रैना रन आउट हो गए पंत के हाथों। लेकिन तब तक काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की सुरेश रैना ने, 54 रन लगाए सिर्फ 36 गेंदों का सामना करते हुए। उनके साथ साथ देते हुए अंबती रायडू 23 रन बनाकर आउट हो गए 16 गेंदों का सामना करते हुए टॉम करन की गेंद पर। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने पारी खेली। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में 17 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन लगाए सर रविंद्र जडेजा ने। तो उनके बाद बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर आवेश खान की करारी गेंद पर बोल्ड हो गए। इतने महीनों बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए थे और सिर्फ 2 गेंदें खेलकर ही वापस पवेलियन का रास्ता दौड़ने लगे, लेकिन अंत में आया एक और छोटा धमाका जिसका नाम था सैम करन। जी हाँ दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सैम करन ने इस मुकाबले में 34 रनों की धाकड़ पारी के लिए सिर्फ 15 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें से सैम करन ने 2 छक्के और 4 तूफानी चौके जड़े। सैम करन की और रविंद्र जडेजा की और सुरेश रैना की तूफानी पारियों की बदौलत अपने निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 188 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा लक्ष्य मिल गया चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि मध्य क्रम में सुरेश रैना ने धाकड़ पारी खेली, उनके बाद अंबती रायडू ने सूची समझी साझेदारी निभाई, उनके बाद जडेजा ने पारी खेली, तो आखिरी टच सैम करन ने दिया, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 188 रन बना दिए 7 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। दोस्तों, आपको चेन्नई सुपर किंग्स की ये जीत कैसी लगी, हम सभी को कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुंबई इंडियंस के तूफानी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2 विकेट से मात दे दी थी मुंबई इंडियंस को आखिरी बॉल पर। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर काफी बेहतरीन इतिहास रचा था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले को आरसीबी में वापसी कराने वाले एक ही बल्लेबाज थे जिनका नाम था मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स के ऊपर एक ऐसा मंजर आया जहां एबी डिविलियर्स हद से ज्यादा परेशान और हद से ज्यादा घायल नजर आए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब 19वें ओवर की 3री गेंद पर एबी डिविलियर्स ने गेंद को टच कर 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि अगर वो 2 रन ले लेते तो जीत के लिए सिर्फ 1 ही रन बचता और मैच ड्रॉ हो जाता। ऐसे में ओवर की 3री गेंद पर टच कर 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े एबी डिविलियर्स अपनी टीम को बचाने के लिए। ऐसे में अकेला खिलाड़ी भागते भागते जा रहा था, तो उतने में ही हार्दिक पांड्या ने थ्रो किया और ईशान किशन ने तेजी से गेंद पकड़ते स्टंप्स पे दे मारी। अब रिव्यू गया थर्ड अंपायर के पास। दोस्तों, आप सभी को बता दें, काफी बड़ी डाइव मारी थी इस रन को बचाने के लिए एबी डिविलियर्स ने। लगभग 3 से 4 इंच का गैप रह गया था बैट और क्रीज के अंतर में। दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, लगभग रन आउट होते ही अपने आप को एक गंभीर स्थिति में पाया एबी डिविलियर्स ने, वो मैदान पर ही सो गए। ऐसा लग रहा था कुछ हो गया है एबी डिविलियर्स को रन लेने के लिए। जब थर्ड अंपायर ने इस डिसीजन को देखा तो एबी डिविलियर्स आउट निकले, वहीं एबी डिविलियर्स की सांसें रुक गई। दोस्तों, आप सभी को बता दें, काफी मायूस होकर रन आउट होकर जा रहे थे, क्योंकि अभी जीत के लिए 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। लेकिन आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 1 रन व आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने 1 सिंगल लेकर आरसीबी
की टीम को इस मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बचाया। काफ़ी बेहतरीन ये मुकाबला रहा। पहला मुकाबला अगर इतना रोमांचक है तो सोचिए पूरा IPL टूर्नामेंट किस हिसाब से होगा। दोस्तों आपको आईबीडी विलियर्स का ये कारनामा कैसा लगा, हम सभी को कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों IPL 2021 का पहला मुकाबला हो चुका है समाप्त। मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं, टॉस जीतकर इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते इस मुकाबले में क्रिस लिन और रोहित शर्मा आए मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाज।